तो दोस्तों आज के ब्लॉग में हम लोग लेके जा रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ये देखिए हमारे पीछे मंदिर है श्री कृष्ण जन्मभूमि का, और हम लोग आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बताएंगे कैसे अंदर दर्शन करना है। तो चलिए वीडियो के अंदर बैठेंगे, राधे राधे बोल के चलते सीधा कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के अंदर। हम लोग पहुंच चुके हैं अभी कृष्ण जन्मभूमि, और हमारे सामने ही है यहाँ, देखिए बहुत ही सुंदर ये जन्मभूमि मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। देखिए आपको रास्ता दिखाई दे रहा होगा, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का सबसे पवित्र स्थान है, जहाँ हमारे कृष्ण कन्हैया कान्हा का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी के दिन ही माना जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और जन्माष्टमी के पावन अवसर पर यहाँ पे लाखों की संख्या में भक्त आते हैं श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। तो आप भी इस जन्माष्टमी ज़रूर आए और दर्शन करें भगवान श्री कृष्ण का इस मंदिर में। ये मंदिर है देख सकते, काफ़ी बड़ा और सुंदर मंदिर दिखाई दे रहा है ये। तो चलिए कृष्ण जी के, कृष्ण जहाँ जन्म लिए थे वो प्लेस हम लोग देखेंगे, वो स्थान देखेंगे और दर्शन करेंगे कृष्ण जी का। तो चलिए बताते हैं आपको मंदिर के दर्शन करने के बाद कैसा अंदर का नज़ारा था, और बाकी तो आपको यहाँ जाके देखना पड़ेगा कि अंदर कोई गैजेट्स अलाउड नहीं है। आपको पहले ही बताते हैं कोई फ़ोन अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे आप लोग को लॉकर सुविधा रहता है, लॉक रूम है, वहाँ पे आप सामान अपना रख के अंदर दर्शन के लिए जा सकते हैं। ये देखिए सामान का लॉक रूम है आगे। तो दोस्तों हम लोग कृष्ण जन्मभूमि से दर्शन करके आ चुके हैं, और देखिए अभी लाइटिंग ऑन हो चुका है। उस समय तो लाइटिंग ऑन नहीं हुआ था क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 7:30 बज रहा है शाम का, और देखिए बहुत ही सुंदर ये दिख रहा है भूमि का मेन। श्री कृष्ण जन्मभूमि वही स्थान है जहाँ भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिए, जहाँ उन्होंने अपने आप को क्रूर राजा कंस के जेल में खुद को प्रकट किया था, और अपने पिता वासुदेव और माता देवकी को मुक्त कराया था। मान्यता है कि भगवान विष्णु के इस श्री कृष्ण अवतार का उद्देश्य बुराई को नष्ट करना, पुण्य की रक्षा करना और संसार में धर्म नीति का राज्य स्थापित करना था। इस मंदिर के परिसर में एक गढ़गिरी केशव देव मंदिर और भगवत भवन है। मंदिर में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुंदर सुंदर चित्रों के माध्यम से किया गया है। साथ ही में मंदिर में श्री कृष्ण, राधा और बलराम की मूर्तियां भी स्थापित है। इसके भगवत भवन में 5 अन्य मंदिर, राधा कृष्ण युगल सरकार, श्री बलराम, सुभद्रा और श्री जगन्नाथ मंदिर, श्री सीताराम लक्ष्मण जी मंदिर, श्री जगन्नाथ जी और श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर आदि स्थित है। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण सबसे पहले भगवान कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ ने करवाया था। पौराणिक समय की एक शिला लेख से ये पता चलता है कि वसु नाम के एक भक्त ने यहाँ मंदिर का तोरण द्वार और वेदिका का निर्माण करवाया था, परंतु कई बार मुगल शासकों द्वारा इस भव्य मंदिर को नष्ट कराया गया था, लेकिन श्री कृष्ण के भक्तों द्वारा हर बार इसे और भी सुंदर ढंग से पुनर्निर्मित कराया गया और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर दिल्ली के दक्षिण पूर्व से 145 किलोमीटर दूर पर स्थित है, और आगरा से 58 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ आने के लिए आप दिल्ली से आगरा फ्लाइट से और यहाँ से बस कैब से आ सकते हैं, या दिल्ली से ट्रेन बस से सीधे आप यहाँ पहुँच सकते हैं। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बाहर आपको बहुत सारे ऐसे दुकानें और खाने पीने की जगह मिल जाएगी, जहाँ पे आप मथुरा का फेमस पेड़ा या फिर लस्सी वगैरह पी सकते हैं और यहाँ का मिष्ठान वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा और वातावरण आपको इतना पवित्र लगेगा कि आपको यहाँ हमेशा आने का मन करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग कृष्ण जन्मभूमि का, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो आपको मेरा यहाँ का दर्शन कराना, सारी इन्फॉर्मेशन बताना पसंद आता है, वीडियो को लाइक शेयर बताएं जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।